हेलो सर, मेरा नाम अपूर्वा है। मैंने रिसेंटली अभी 12th पास आउट किया है, तो मेरे को जानना है कि आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस है। वैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक मीडिया फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है। तो उसमें मीडिया फील्ड में आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, बिजनेस फील्ड में या फिर जॉब के सेंस में? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप जानते हैं कि मीडिया में नेम और फेम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो वो कैसे हो सकता है कि हम नेम और फेम दोनों साथ में मिल जाए? वेरी गुड, अपूर्वा ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि 12th के बाद क्या मीडिया फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या जॉब कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी 12th कंप्लीट की है या आपने ग्रेजुएशन भी की है या कोई मास्टर्स भी करके हटे हैं, आपके पास मैं अभी बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगा आपके मीडिया में करियर आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। मैं आपको मीडिया, मास्कॉम, फिल्म, इन सब के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद AAFT यूनिवर्सिटी रन करता हूँ। 15,000 से ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ से कोर्सेज कर निकल चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट या मीडिया कंपनीज हैं, टीवी चैनल्स हैं, फिल्म कंपनीज हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर। सो मैं आपको बेहतरीन गाइडेंस दे सकता हूँ। आप कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे नॉलेज है, मैंने AAFT में सीखा, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मीडिया के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है? ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पहले दूरदर्शन होता था, फिर 10, 20, 50 चैनल आ गए। उसके बाद आज की डेट में अगर आप मीडिया के अंदर देखेंगे, ऑनलाइन का टाइम आ गया। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, एक वेब सीरीज की फील्ड आ गई है, ऑनलाइन के अंदर चल रहा है। रेडियो, 50 तरीके के रेडियो स्टेशन अवेलेबल है, मतलब हजारों लाखों जॉब्स हैं। ऐसी इंडस्ट्री में घुसना हमेशा फायदेमंद रहता है जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, जो कि लेटेस्ट इंडस्ट्री हो, जिसमें कि नए नए तरीके के टेक्निकल प्रोफाइल्स निकल के आ रही हो। अपूर्वा, आपको पहले यह समझना पड़ेगा, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या स्कूल्स के बाद स्टूडेंट इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। आपको पहले यह समझ में आ जाए कि स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा कि मीडिया के फील्ड में क्या फ़ायदा हो सकता है। अभी क्या होता है, जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस में जो आप पढ़ाई करते हैं वो बड़ा थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल मतलब बड़ा नॉलेज ओरिएंटेड होता है, और नॉलेज भी बड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आपने BA की स्टडी करी तो क्या हो रहा है, ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, आपने किताब खोली, याद किया और पेपर में जाके लिख दिया, याद किया पेपर में जाके लिख दिया, ये सिर्फ आपकी मेमोरी इनहेंस करता है। जबकि मीडिया में ऐसा नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या बिल्डअप करना पड़ेगा, अपनी स्किल बिल्डअप करनी पड़ेगी। सो मीडिया फील्ड में अगर आपने अपनी स्किल बिल्डअप कर ली, पहले मैं आपको स्किल का मतलब समझाता हूं। नॉलेज मतलब याद किया, लिख दिया। स्किल का मतलब होता है, जैसे टाइपिंग एक स्किल है, आपको किसी टीचर ने ASDF सिखाया तो आप सीख गए, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरू शुरू में आप ASDF टाइप कर रहे हो, पर जब आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्रैक्टिस करते हो तो आपकी उसमें मास्टरी हो जाती है। साइकिल चलाना एक स्किल है, किताब से सीख जाओगे? नहीं। स्विमिंग एक स्किल है, किताब से सीख जाओगे? नहीं। तो ज्यादातर बच्चे क्योंकि थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसलिए प्रोफेशनल उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं। अब मैं आपको मीडिया के बारे में बताना शुरू करता हूं। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, 5 तरीके से, मास कम्युनिकेशन समझ लीजिए, 5 तरीके के एरियाज में आप अपना करियर बना सकते हैं। 5 एरियाज हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब है आप मास से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मास से कम्युनिकेट करने के मीडियम कौन कौन से हो गए? पहला हो गया टेलीविजन, मास में जा रहे हैं आप। दूसरा हो गया रेडियो, तीसरा हो गया न्यूज़पेपर, चौथा हो गया फिल्म, और पांचवा हो गया आपका डिजिटल। तो इन 5 एरियाज में आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। फायदा इसके अंदर ये होता है कि ये सब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। विवाह समझ में आ रही है ना? टेलीविजन के लिए जब आप काम करते हैं, मीडिया के अंदर आप जब कोर्स करते हैं उसके अंदर, तो क्या क्या चीजें सीखते हैं आप? तो आप ENG बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग बोलते हैं। दूसरा, आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तीसरा, न्यूज रीडिंग होता है। चौथा, एंकरिंग होता है। पांचवा, रिपोर्टिंग होता है। सो बड़े अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग आपने कुछ बनाई, तो जब आप पहला डॉक्यूमेंट्री आप बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? निहायत ही बेकार बनाएंगे। वो जो डॉक्यूमेंट्री होगी आपके मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ के किसी को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हर बच्चे को लगता है, माँ बाप को लगता है मेरे बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है। बट आप जब सेकंड डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, थर्ड डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, फोर्थ डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, तो आपकी धीरे धीरे मास्टरी हो जाएगी। वो बोलते हैं देर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक। पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई अच्छी नहीं बनी तो क्या फेल हो गए? नहीं, फीडबैक था, आपने इंप्रूव किया। सो इट्स अ काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या होता है, आप परफॉर्म करते हैं और फिर इंप्रूव करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं और फिर इंप्रूव करते हैं। सो 50 तरीके के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हैं जब आप मीडिया फील्ड का कोई कोर्स करते हैं। सो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऐसे जाके इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई ENG या डॉक्यूमेंट्री बना दी है, या आपने कोई रिपोर्टिंग का कोई प्रोजेक्ट कर लिया है, उसे आप YouTube पर डाल सकते हैं, उसे आप Facebook पर डाल सकते हैं, आप उसे अपलोड कर सकते हैं, और कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है इंडस्ट्री का। आपको क्या नॉलेज है वो पेपर पे टेस्ट नहीं लेते हैं? बताओ, क्वेश्चन पूछेंगे वो नहीं होता, आपने क्या प्रोजेक्ट किए हैं, आपके क्या शो रील्स हैं, वो दिखाना बहुत जरूरी है। तो इन पांचों फील्ड में जो मैंने आपसे बोला, रेडियो के अंदर, टेलीविजन के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, डिजिटल के अंदर, ये सब फील्ड के अंदर आप 50 तरीके के प्रोजेक्ट्स करते हैं। जैसे जैसे आपका 3 मंथ्स का, 1 ईयर का, या 3 इयर्स का डिग्री UG या मास्टर्स PG प्रोग्राम आप कंप्लीट करके निकलते हैं, आपके पास कम से कम भी 15-20 प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आप अगर जॉब में जाते हैं तो दिखाते हैं कि देखिए सर मैंने ये काम कर रखा है। उस काम को देख के आपको जॉब मिल जाती है। या अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं, देखिए ये प्रोजेक्ट्स पर मैंने काम कर रखा है, तो उसको दिखाकर आपको बिजनेस मिल जाता है। सो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो मीडिया के अंदर और इसके अंदर, नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स के अंदर, जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर थ्योरी थ्योरी कर कर बच्चा जब कॉलेज से बाहर निकलता है, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, वो कहता है मैं फ्रेशर हूं। अरे फ्रेशर है? 3 साल की तूने डिग्री करी, 12 साल की पढ़ाई करी, 15 साल के बाद फ्रेशर? पर आप जब मीडिया फील्ड के कोर्सेज करते हैं तो आप day 1 से इंटर्नशिप पे घुस जाते हैं। डिग्री करने के बाद इंटर्नशिप नहीं करते हैं, डिग्री करते करते ही आप इंटर्नशिप में घुस जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सो मीडिया के अंदर करियर बनाना थोड़ा आसान है। मीडिया के अंदर जब आप काम करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आपको मजा आता है। आप कैमरास पे काम करते हैं, आप पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स पे काम करते हैं, आप स्टूडियोज में जाते हैं, आप मल्टी कैम शूट्स पर काम करते हैं, मतलब 50 तरीके के काम होते हैं हर फील्ड के। समझ में आ रहा है? सो मीडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो मास कम्युनिकेशन के अंदर करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं? more than 30 करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्रॉडकास्ट न्यूज एनालिस्ट बन सकते हैं, साउंड इंजीनियर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन हेड बन सकते हैं, मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट में जा सकते हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हैं। अब अगर आप बात करेंगे प्रिंट मीडिया की, आप न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, फ्रीलांस राइटर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, सब एडिटर बन सकते हैं, लेआउट डिजाइनर बन सकते हैं, आप फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, आप इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट में आप आ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ सकते हैं, डिजिटल से रिलेटेड 50 तरीके की फील्ड्स में आ सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ सकते हैं, SEO के अंदर जा सकते हैं, SMO के अंदर जा सकते हैं, फेसबुक की मार्केटिंग में जा सकते हैं, गूगल की मार्केटिंग में जा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आपके पास करियर ऑप्शंस ही करियर ऑप्शंस हैं। 50 टाइप्स की स्किल सेट्स बिल्डअप किए जाएंगे, उनमें से किसी 2-3 में भी आपने मास्टरी कर ली, आप अच्छा पैसा बना पाएंगे, अच्छा करियर बना पाएंगे, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। 3-4 साल या साल भर जो आप लगाते हैं उसका आपको पूरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाता है, आपका भविष्य सिक्योर हो जाता है।
और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट जब आप इस फील्ड के अंदर लगाते हैं, आपका करियर सिक्योर हो जाता है। थ्योरी थ्योरी वाले रट्टू तोता नहीं रह जाते हो, एक इंडस्ट्री के हिसाब से आप प्रोफेशनल बन के निकलते हैं। वैसे ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि मीडिया में करियर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनका करियर डिसाइड करने में, करियर बिल्डअप करने में हेल्प मिल जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।